हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करेंगे और इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हम ढूंढेंगे। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 28 प्लस स्क्वायर रूट 63 यानी अंडरूट 28 और प्लस अंडरूट 63, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पर गलती करते हैं कि 28 और 63 दोनों रूट के साथ इनको अपन जोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ने पर इसका जो टोटल है ना वो 91 आ जाता है। अब कई क्या करते हैं, दोनों जगह रूट है तो रूट के बिना भी लिख देते हैं और रूट के साथ भी लिख देते हैं, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं जो कि दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, दोनों रूट से कंप्लीट बाहर निकल नहीं पाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ये अपरिमेय संख्याएँ हैं, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल जो नंबर होते हैं ना अलग अलग टाइप के, वो एक साथ ऐड नहीं हो सकते। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 28 है इस 28 के हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 28 का फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2, 4 × 7, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर में क्या होता है कि अगर कोई भी जो प्राइम नंबर होता है ना, अभाज्य जो संख्या होती है, अगर उसका एक पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो उसमें से एक नंबर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से दो बाहर निकल जाएगा और ये 7 ना रूट में ही रह जाएगा। तो रूट 28 को हम 2√7 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा 63 है ना, 63 के भी आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये रहा 7, 9 × 7 = 63। इसमें से देखो 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो इसको आप यहाँ पर 3√7 लिख पाओगे। तो अब देखो 28 है उसको तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2√7 प्लस 63 जो रूट के अंदर है उसको हम लिख सकते हैं 3√7। अब यहाँ पर देखो ये वाला रूट सेवन और ये वाला रूट सेवन दोनों सेम है, तो यहाँ पर जो रूट सेवन है वो 2 बार और यहाँ पर जो रूट सेवन है वो 3 बार है, यानी यहाँ पर 2 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम है, बीच में साइन किसका, प्लस का, तो ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो 3 टाइम और 2 टाइम यानी कितने टाइम हो गया, 5 टाइम। 5 टाइम कौन होगा, रूट सेवन, यानी रूट सात है ना वो 5 बार आया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो बन जाएगा 5√7 और 5√7 मतलब आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।